दोस्तों, अगर आप भी आईपैड 8 जनरेशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया खबर है। एप्पल का जो A12 बायोनिक चिपसेट है, एप्पल क्लेम तो कर ही रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ कि ये कितना ज़्यादा केपेबल है। दोस्तों, यहाँ पे एक यूट्यूबर है द रिलैक्सिंग एंड, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इन्होंने आईपैड 8 जनरेशन की अनबॉक्सिंग की थी और पबजी का गेम प्ले किया था इसमें। तो इन्होंने गेम प्ले में दिखाया कि जो पबजी की ग्राफिक सेटिंग्स हैं वो दोस्तों स्मूथ एक्सट्रीम में तो जाती ही थी, मतलब एक्सट्रीम सेटिंग्स तो थी, लेकिन नए अपडेट के बाद 90 FPS का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलता है आईपैड 8 जनरेशन में। मैं मानता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो आईपैड 8 जनरेशन है उसकी स्क्रीन 90 FPS रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी दोस्तों कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप स्मूथ 90 FPS पे सेट करके रखेंगे ग्राफिक सेटिंग्स को। तो दोस्तों, हमें 90 FPS की जो सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, इससे प्रूफ होता है कि एप्पल A12 बायोनिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा केपेबल प्रोसेसर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला आईपैड मैं भी परचेस करने वाला हूँ पर्सनली। तो इस चैनल में आपको इसका रिव्यू, साथ ही साथ अनबॉक्सिंग और गेमिंग के जितने भी वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।